अगले कॉलर हैं फरीदाबाद से मुकेश, हमारे साथ स्वागत है आपका। मैं फरीदाबाद से बोल रहा हूँ मैडम। फरीदाबाद, फरीदाबाद आगरा मंडल में पड़ता है। फिरोजाबाद। हाँ फरीदाबाद जिला, अच्छा ठीक है, फरीदाबाद। फिरोजाबाद, माफ कीजिएगा। चलिए सवाल करिए अब अपना। हाँ मैडम, ये पूछना चाहता हूँ, मेरे पेट में दर्द मारता रहता है, गैस बनती है, मैंने चूरन पूरन खा लिया, दवाई भी ले ली बहुत। ठीक है, ठीक। देखिए, पेट ठीक होना हर किसी का ज़रूरी है, अगर सेहतमंद ज़िंदगी चाहिए तो धनिया, सौंफ, आंवला, सौंठ, दो 200 ग्राम लीजिए। धनिया, सौंफ, आंवला, सौंठ, दो 200 ग्राम, और इसमें 150 ग्राम आप मिलाइए नमक, कलौंजी, कलौंजी का नमक। ये ज़रा मुश्किल से मिलेगा, कोई परेशानी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। इनको घर में पाउडर बनाएं और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम पानी के साथ लें तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर है सतीश चौधरी जी, दिल्ली से हमारे साथ स्वागत है आपका। हाँ मैडम, 2 साल से पुरानी खांसी है। 2 साल पुरानी खांसी है आपको? ठीक है। हाँ जी जी। देखिए आप लिख लीजिए, आपको कई महीने तक इलाज करना चाहिए, और लिखना यह है कि उन्नाव, सपिस्तान, अलसी 100 100 ग्राम लें, और इसमें 20 से 30 ग्राम पीपले मिलाएं, आपके किचन में जो गरम मसालों में पाई जाती हैं, पाउडर बना के सुबह शाम नाश्ते से पहले, यानी खाली पेट और रात को सोते समय गर्म पानी से लेना बेहतर है, या चाय के साथ ले लें, और खट्टी चीज़ें का परहेज करें तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। तो बिल्कुल, जैसे कि ना 2 साल से खांसी की इतनी ज़्यादा परेशानी है हकीम साहब, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इनको इम्यूनिटी बूस्टर की भी ज़रूरत है, इनकी इम्यूनिटी भी लो हो सकती है। देखिए, इसके बारे में एक दवा है बहुत अच्छी जी, वो इम्यूनिटी बूस्टर भी है, और उसकी डिमांड बहुत रहती है आजकल, क्योंकि देश विदेश में बहुत जाती है, और वो है माजून आर केयर। माजून आर केयर अगर आप सुबह शाम 1 1 चम्मच लें तो आपको बहुत फ़ायदा मुमकिन है। बिल्कुल, एक सवाल और है मेरे जहन में। यहाँ पे एक कॉलर हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने ये कहा था उन्हें पेट की दिक्कत है, परेशानी है, उन्होंने बहुत सारे चूरन का इस्तेमाल भी किया, तब भी उनका जो दर्द है वो बना रहा, थोड़ी सी उन्हें राहत मिली लेकिन फिर से दर्द वैसी का वैसी हो गया है। बात करें त्रिफला की अगर हकीम साहब, तो त्रिफला एक ऐसी चीज़ है कि जो भी उसका सेवन करता है वो एकदम से रिलीफ मिल जाता है, उसका मोशन पास नहीं होता, मोशन लूज हो जाता है, और पेट में भी थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन इसके नुकसान क्या कुछ हो सकते हैं जानना चाहूंगी, और इसको अगर खाए कोई भी व्यक्ति तो उसे किस तरीके से खाना चाहिए। देखिए, बड़ा अहम सवाल है, और कई बार मैंने इसके बारे में बताया है कि ये जो लोग आकर त्रिफला बता देते हैं और लोग इस्तेमाल भी करते हैं और फौरन फ़ायदा शुरू हो जाता है, आदमी सोचता है मैं इतनी दवाएं ले रहा था महंगी महंगी और त्रिफला खाते ही फ़ायदा होगा, लेकिन त्रिफला से ही पेट के रोगी पैदा होते हैं। उसका उपयोग जो करना चाहिए वो त्रिफला को तेल में, तेल भी या तो अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल जिसे कहते हैं, या बादाम के तेल में पहले भूनना चाहिए, उसके बाद इस्तेमाल करना चाहिए, वरना आपको कुछ दिन तो लगेगा कि आपको बहुत फ़ायदा हो गया, लेकिन ये आंतों पर एक लेमिनेशन होता है, ये उसको निकाल देता है, और फिर हमेशा आपकी लैट्रिन आंतों से चिपकी रहती है, अल्सर होना लाजमी है। तो त्रिफला जो लोग बताते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि त्रिफला ना बताया करें, या उसका पूरे तरीका बताया करें कि त्रिफला को तेल में भूनना यानी मर्ज करना बहुत ज़रूरी है, वरना आदमी ज़िंदगी भर का रोगी हो जाता है। तो बिल्कुल दर्शकों, देखिए ये बातें सिर्फ और सिर्फ आप लोग इस कार्यक्रम में ही जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अगर आप लोग रोग संबंधी कोई भी अपना प्रश्न करना चाहते हैं, नुस्खे जानना चाहते हैं, यूनानी से जुड़ना चाहते हैं, तो सिर्फ आप लोगों को तुरंत इन नंबर्स पे कॉल करना होगा। हकीम साहब आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं, फोन उठाए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं कुछ और कॉलर से। हमारे साथ परविंदर कौर है भटिंडा से, स्वागत है आपका जी, बताइए। हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, मैं परविंदर कौर बोल रही हूँ। हाँ जी, देखो तेजाब बहुत ज्यादा बनता है जी, तेजाब बनता है बहुत ज्यादा, और कोई तकलीफ?
हाँ जी बस तजर्ब होए वंदन जो कोई चीज माड़ी मोटी वह बात दिया रहने फ्रेमा हो जाता है। ठीक है जी। हाँ देखिए एनिमल फैट बंद कर दें, अगर आप दूध घी या मक्खन खाते हैं या मीट खाते हैं तो कुछ दिन के लिए बंद करना अच्छा है। 5 बार गर्म पानी पिए और अलसी को भून लें, ऐसा 500 ग्राम अलसी भून लें और इसमें 200 ग्राम आपको मिलाना है सौंफ और 200 ग्राम आंवला, इसको खूब बारीक पाउडर बनाएं और इसमें कलौंजी का नमक मिलता है, एस्टेक कलौंजी जिसे कहते हैं, कलौंजी का रसायन भी कहते हैं, इसमें 100 से 150 ग्राम तक मिला सकते हैं और इसका 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम पानी से लें। गर्म पानी पीना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, अगर कुछ दिन आप इसे लेते हैं तो आपको फ़ायदा मुमकिन है जी। अगले कॉलर हैं फरीदाबाद से, राजरानी जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी बताइए। मेरा ना सांस बहुत फूलता है एकदम, चलती हूँ ना वहाँ तक पसीना भी आ जाता है और सांस भी वीपी हो जाता है, बैठे रहने से कुछ नहीं होता, चलती हूँ तब होता है, बहुत सांस फूल जाता है एकदम, और उधर से ये बाथरूम की भी बहुत प्रॉब्लम है, बहुत बाथरूम आता है जी। एज कितनी है आपकी और हेल्थ क्या? मेरी 55 है। आप हेल्दी है कुछ? ना हैवी भी नहीं हूँ, सही हूँ वैसे तो, सा कुछ सही। गोंद मरिंगा मंगाया था ना मैंने वहाँ से। अच्छा, वो खा रही हूँ मैं। तो कुछ फायदा हुआ? हाँ अभी तो खा रही हूँ, 10 दिन हुए हैं खाते हुए, आगे अभी 150 ग्राम मंगाया था ना। कुछ फायदा शुरू हुआ आपको? 10 दिन में फायदा शुरू हो जाता? हाँ पहले से फर्क है मेरे को लगता है। ठीक है आप इसको कम भी कर सकते हैं ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, आधा आधा ग्राम लेना बेहतर है और ये ख़त्म होते होते आपकी तबीयत बहाल होना मुमकिन है जी। नेक्स्ट कॉलर हैं राजेंद्र जी लखनऊ से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो हेलो हाँ जी हेलो डॉक्टर साहब, कल हम लोगों ने कॉल करा था लेकिन ये पूछना भूल रहे थे कि एक किडनी में तो उनकी दिक्कत है और वो किडनी में दिक्कत है और रीढ़ की हड्डी का दर्द, 2 बार ऑपरेशन हुआ था तो दर्द का जो आपने काला घोल एक बार बताया था लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या खाना है, मतलब कैसे खाना है और कितनी मात्रा में लेना है। ठीक है काला गोंद सियाह गोंद एक ही बात है और इसकी जो पोटेंसी है वो आधा ग्राम है, आधा ग्राम मतलब चने के बराबर या मटर के दाने के बराबर इसकी गोली बना लीजिए, रॉ मटेरियल ही लें और गोलियां बना के रख लें और दिन में 2 बार खाने के बाद आप इसे इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा शुरू होगा 5-7 दिन में, इतना सब्र आपके लिए ज़रूरी है जी। अगले कॉलर हैं ममता देवी पंजाब से हमारे साथ, स्वागत है आपका। मोना ठाकुर जी बोलिए। मेरे पति के गले में दर्द है जी, दोबारा बोलिए एक बार। मेरे पति के गले में दर्द है। गले में दर्द है आपके हस्बैंड के? हाँ जी हाँ जी। और कोई दिक्कत? और दो इटली में रहते हैं जी, 108 वो इटली में रहते हैं। इटली में रहते हैं? आओ तो वहाँ पे कोरोना मेडिसिन बहुत मुश्किल से मिली। बोलिए अपनी बात कंप्लीट कीजिए, उनके गले में दर्द रहता है, आगे क्या बोला है आपने? उसके गले में दर्द रहता और दवाई नहीं मिलती, वहाँ पे दिक्कत है दवाई की, कोरोना के कारण नहीं मिलती, वो इटली में रहते। तो कहते कि जहाँ से ब्लू कोई हॉस्पिटल दिखता है। ठीक है आप यहाँ से भेज सकते हैं माजून आर केयर सुबह शाम गर्म पानी से लें और नॉर्मली भी वो गर्म पानी ही पिया करें, अगर ये 2-3 महीने लेते हैं तो उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। यहाँ से लेकर भेज सकते हैं आप इटली, कोई आने जाने वाला हो या आज अब तो फ्लाइट भी जाने लगी हैं या कोई आने वाला हो या जाने वाला हो उसके साथ उनकी सेवा कर सकते हैं।
तो बिल्कुल दर्श को देखिए, बार बार कहा जा रहा है कि अगर मेडिसिन रिलेटेड कोई क्वेरी होती है या फिर आप नहीं समझ पाते कि गौन मोरिंगा का कैसे इस्तेमाल करना है या फिर गौनसिया का कैसे इस्तेमाल करना है, तो आप ये सब हेल्पलाइन नंबर पर जुड़ के भी अपना सारा सवाल कर सकते हैं, क्योंकि समय यहाँ पर बहुत कम होता है और हम यही चाहते हैं कि जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े वो जल्दी से जल्दी नुस्खे जाने के उनके लिए कौन सा नुस्खा बेहतर है, किस नुस्खे को अपना के वो सेहतमंद हो, किस नुस्खे को अपना के वो रोग मुक्त जीवन अपना जी सकते हैं। तो अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, रोग संबंधी कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं और बहुत बेहतरीन नुस्खे जानना चाहते हैं घर बैठे बैठे, तो लाइव कार्यक्रम चल रहा है, आप लोग सीधा हकीम साहब से बात कर सकते हैं। तुरंत इन नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं अगले कॉलर से। हमारे साथ परमजीत कौर हैं पंजाब से, स्वागत है आपका। मैं ना कब्ज ही बड़ी रहती है, कब्ज जी, और कब्ज रहती है, मैं सुलेमान दी सारियां सब्जियां खा के देख रही हूं, जे ता बड़ानी है कलवंजी वाली पत्ती और जीरा सौंप ते काला नमक डाली ता ओ मेनू गरमैश कर जांदी है, ते जे ओ बनानी है दूजी मतलब सौंप जीरा धनिया आपको एक तो 5 बार गर्म पानी पीना चाहिए, खूब गर्म, और इससे ज़्यादा भी पी सकते हैं, इससे भी बड़ा पेट अच्छा होता है। और कमर के लिए आप गौनसिया आधा आधा ग्राम सुबह शाम खाने के बाद लें। और एक और नुस्खा है वो आप कोशिश कर लीजिए, देखिए एक तो बेल पत्थर जब आया करे उसको खूब खाया करिए, बेल पत्थर यानी पत्थर बेल जो आती है जिसका शरबत वगैरह भी मिलता है, जब हो तो खूब खाया करिए, नहीं हो तो फिर आपको इसका मुरब्बा मिलता है, एक एक कतला सुबह शाम इसका मुरब्बा मिलता है, वो लिया करें। और ये अरंडी का तेल कहते हैं गांवों की ज़बान में, और कैस्ट्रोल ऑयल भी कहते हैं जो मेडिकल स्टोर पर मिलता है, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम गर्म पानी में या गर्म दूध में मिलाकर आप इसे पी लिया करें, मुझे उम्मीद है आपको फ़ायदा मुमकिन है जी। नेक्स्ट कॉलर है कमलेश जी पंजाब से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी जी बोलिए, सवाल करिए अपना। हाँ मैडम, मेरे को एक तो गठिया की तकलीफ है, गठिया, ठीक है, गठिया जी जी गठिया, और एक मेरे जो पीठ का मणका है ना वो मैं गिर पड़ी थी, वो मतलब टेढ़ा चुड़ गया, उससे मैं चल नहीं पाती और सांस फूलता है, ठीक, और पैरों पर घोड़ों घुटनों में सूजन है। एज बता दी अपनी, जैसे आपने बताया ना गोंद वगैरह है, तो मतलब आपके यहाँ से मिल जाए तो अच्छा है, जो दवाई यहाँ नहीं मिलती आप भेज देना। ठीक है ठीक है जी। तो देखिए उम्र दराज लग रही हैं आप, तकरीबन 55-60 साल आपकी उम्र या उससे ज़्यादा हो सकती है, बहुत एहतियात से ज़िंदगी गुजारी क्योंकि आपकी जो हड्डी है वो टेढ़ी जुड़ गई है आपने बताया, लेकिन उसके दर्द को ख़त्म कर सकते हैं। और वो जो गौनसिया की आप बात कर रहे हैं उसको आप आधा आधा ग्राम लें और बहुत एहतियात से ज़िंदगी गुजारिए तो बग़ैर तकलीफ़ के ज़िंदगी आप गुजार सकते हैं। अगर ये 100-200 ग्राम आप खरीद के इस्तेमाल करें तो आपकी सूजन भी उतरना मुमकिन है, दर्द भी मुमकिन ठीक होना, और घुटनों का दर्द हो कमर का दर्द भी ठीक होना मुमकिन है जी। नेक्स्ट कॉलर हैं पिंकी हमारे साथ, स्वागत है पिंकी आपका। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रही हैं? हम फतेहाबाद से बोल रहे हैं। ठीक है सवाल करिए। हाँ जी मुझे डॉक्टर से ये जानना है कि मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत है, तो मतलब कुछ भी खाती हूँ तो जैसे बैक आ जाता है, एसिड बहुत है मेरे को। ठीक है, एज कितनी है आपकी इस वक्त? मेरी 32 इयर्स। अच्छा बच्चा देखो, अगर कुछ भी खाते ही आपको परेशानी होने लगती है तो हमें चाहिए कि एक सोनोग्राफी करा लें ताकि हमें पता चले कि पेट में क्या है। ऐसे लोगों को अक्सर
पित्ते में पथरी पाई जाती है, तो पित्ते में पथरी है तो फिर पित्ते का ही इलाज होगा या उसको ही रिमूव करना पड़ेगा पथरी को, उससे पहले आपको फ़ायदा मुमकिन नहीं है। और अगर वैसे कोई तकलीफ है इसके अलावा तो वो सब का इलाज हो सकता है। इलाज ये है कि 5 गिलास गर्म पानी आप पिया करें दिन में, बार बार खूब गर्म पानी, 1 घंटा पैदल चला करें। और एक नुस्खा बड़ा कीमती है, वो आप खुद भी बना सकते हैं कि अलसी भून कर उसका पाउडर बना लें अलसी का, और 200-300 ग्राम अलसी लेके आप इसका पाउडर बना लें, और इसमें 300 ग्राम अलसी, 200 ग्राम धनिया और 200 ग्राम इसमें मिलाइए सौंफ, इसका पाउडर बना लीजिए, और इसमें 150 ग्राम आपको मिलाना है, ये नमक कलौंजी कहलाता है, कलौंजी का एस्टेक भी कहते हैं इसे और नमक कलौंजी भी कहते हैं, ये रसायन होता है कलौंजी का, इसमें मिला लीजिए 150 ग्राम, और इसका पाउडर 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम गर्म पानी से लेने से आपको फ़ायदा मुमकिन है।